नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी अभ्यर्थियों का कट ऑफ जारी कर दिया गया है और जो जिनका भी रिजल्ट हुआ था, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ था, कट ऑफ और स्कोर कार्ड को लेकर काफी छात्र परेशान थे। कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है, फिर भी छात्र परेशान है। अब भी छात्रों का आरोप है कि कट ऑफ हम पार कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं दिया गया है। तमाम गड़बड़ियां देखने को मिल रही है रिजल्ट में, जिसको लेकर छात्र बीपीएससी ऑफिस का रोज चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कुछ भी आयोग की तरफ से अपडेट नहीं मिल पा रहा है छात्रों को। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम शशि शरण सर के साथ हैं। सबसे पहले स्वागत। बहुत शुक्रिया रविरंजन जी। सर, जिस तरह से कट ऑफ जारी किया गया है, फिर भी छात्र संतुष्ट नहीं है, रिजल्ट को लेकर संतुष्ट नहीं थे। अभी कट ऑफ पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कट ऑफ पार कर रहे हैं, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है, सीटें भी खाली हैं, कट ऑफ भी पार है, फिर भी रिजल्ट नहीं, क्यों सर? देखिए, अब रिजल्ट अगर वैसी परिस्थिति है तो आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और अगर जो आप ईमेल वाली एक बात आई है कि ईमेल में 1,00,000 ईमेल आ चुका है, तो वैसी परिस्थिति में अगर जब एक आदमी कहे, दो आदमी कहे, तीन आदमी कहे, अगर बहुत ज्यादा बच्चा कहने लग रहा है, इसका मतलब उनकी समस्याएं हैं। तो उनकी समस्याएं सुनेगा कौन? आयोग सुनेगा। तो आयोग को एक पोर्टल बना देना चाहिए। और छात्रों से भी निवेदन है कि जो सिंसियर प्रॉब्लम है, देखिए आप, ठीक है प्रॉब्लम है, लेकिन जो उनको पहले दो तीन जगह से वो वेरीफाई कर ले, अगर हकीकत में उनको प्रॉब्लम दिख रहा है, तो उस पोर्टल बना के उस पर पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि चीजों को दे। अब मान लीजिए कि 2,00,000 आप ही को अगर कोई ईमेल कर देगा रविरंजन जी, तो क्या आप खोल पाइएगा? नहीं खोल पाइएगा। तो एक पोर्टल बने, और सिंसियरली छात्रों से निवेदन है कि अगर जो एक्चुअल समस्या है उस पोर्टल पर जाकर लिखें। अगर आपके आसपास में 4-5 लोगों की एक जैसी समस्या है, तो एक ही को मैसेज में 4-5 पोर्टल पर अपलोड कर दें या ईमेल पर भेजें, ताकि उसको समझा जा सके। इतना ना कर दें कि वो सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए। सर, तमाम दिव्यांग के छात्र जो हो गए और स्वतंत्रता सेनानी, कट ऑफ भी जारी किया गया तो इनको दरकिनार कर दिया गया, कट ऑफ में भी नहीं रखा गया है। और आज जिस तरह से देख रहे थे बीपीएससी ऑफिस के बाहर दिव्यांग लोग, अभी वो सचिवालय में गए हैं, कभी अतुल प्रसाद सर से गुहार लगा रहे हैं, कभी के पाठक सर से गुहार लगा रहे हैं, तो इनका कट ऑफ भी जारी नहीं किया गया। ये तो और ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि इसमें पूरा धांधली किया गया, इनके साथ क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, कट ऑफ जारी होना चाहिए, जब सबका जारी कर दिया गया है तो इनका क्यों नहीं जारी हो? डेफिनेटली जारी होना चाहिए, उनको भी जानने का हक है कि मेरे कैटेगरी में कितना गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब इतना आयोग जारी कर दिया है, तो निश्चित तौर पे आयोग, हो सकता है कि कोई बाय मिस्टेक हो गया हो, लेकिन इतना बड़ा गलती नहीं हो सकता है। तो अगर कुछ कारण से अगर रुक गया हो या फिर कुछ दिक्कत हो गई हो, तो मेरा निवेदन यह है कि भाई उनको भी बता देना चाहिए कि उनकी कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, ताकि वो बच्चे भी संतुष्ट हो जाए। सर, आपको नहीं लगता है जिस तरह से रिजल्ट जारी किया जा रहा है, सर 11th 12th का रिजल्ट कुछ जारी कर दिया गया था, उसके बाद कुछ विषयों का रिजल्ट होल्ड कर दिया गया, उसके बाद पीआरटी का जारी कर दिया गया, उसके बाद फिर 11th 12th का कुछ सब्जेक्ट का जारी किया गया, फिर होल्ड कर दिया गया, उसके बाद 9th 10th और 11th 12th का टोटल रिजल्ट जारी किया गया। कट ऑफ भी जिस तरह से जारी किया गया है, दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी को छोड़ दिया गया है, जल्दीबाजी में तो नहीं है पूरा आयोग? देखिए, जल्दीबाजी इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये जल्दीबाजी है, तो मुझे ये लगता है कि इसको त्रुटि रहित करना होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। हाँ। मैं तो चाहूंगा कि 1-2 महीने के अंदर में वो ऐसी सारी वैकेंसियां हो, लेकिन त्रुटि रहित हो, जो त्रुटियां हैं वो रुक जाएं, उसको प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तहत किया जाए। देखिए, ऑटोमेशन बहुत चीज में हुआ है, कंप्यूटराइज बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत चीजें सरल हुई हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलती ना हो, इसको त्रुटि रहित किया जाए, जो भी त्रुटियां हैं उनको दूर कर लिया जाए। तो हम तो चाहेंगे कि हर एग्जाम भारत का सीख ले बीपीएससी से कितना जल्दी कराना कैसा है, लेकिन त्रुटि रहित कैसे कराना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अगर हड़बड़ी में जाइएगा तो गिर जाइएगा, देखिए आप गड़बड़ कर जाइएगा। सर, जिस तरह से काउंसलिंग किया जा रहा है, तमाम, जैसे कल आप देखे होंगे सर, झारखंड से एक अभ्यर्थी आए थे, उनका कहना था कि हमने फॉर्म भर दिया, परीक्षा फॉर्म भर दिया तो सोचा कि परीक्षा दे लूं, कितने मैं हूं, खुद को आंकने के लिए उन्होंने परीक्षा दे दिया, उनका रिजल्ट भी बन गया सर। अब वो स्टेट पास नहीं किए थे, स्टेट का सेकंड पेपर वो नहीं दे पाए थे, फिर भी उनको वहां पर नियुक्ति पत्र दे दिया गया सर। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? काउंसलिंग में भी ऐसा लग रहा है कि केवल वाटर मार्क को देखकर लोग सत्यापित कर दे रहे हैं कि नहीं, ये सही चीज है, वाटर मार्क अगर डॉक्यूमेंट पर है तो डॉक्यूमेंटेशन सही है। इसके लिए काउंसलिंग में इसके लिए कौन दोषी है, आप ही बताइए? शिक्षक लोग जो कर रहे हैं सर, शिक्षक जो कर रहे हैं वो दोषी हैं, लेकिन आप कहेंगे कि जो आदमी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है वो भी दोषी है, यही कहेंगे आप? कुछ देर के बाद कहेंगे कि चेयरमैन सर दोषी हैं इसके लिए। तो आप चीज को समझिए कि क्या एक व्यक्ति इतना कुछ चला सकता है? नहीं चला सकता है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल किया जाए कि अगर आप त्रुटि कर रहे हैं तो ये गलत है, आपको त्रुटि करेंगे तो आपके ऊपर भी हो सकता है कि भविष्य में कार्रवाई की जाए, अकाउंटेबिलिटी बनाइए। अगर आपको हम जिम्मेदार ठहराएंगे कि आपके एंड से अगर कोई गलती हो रही है तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो वैसी परिस्थिति में नहीं होगी। और दूसरी बात, इस बात के लिए भी निश्चिंत रहिए, आयोग को यह भी कर देना चाहिए या फिर होना चाहिए ये, मुझे लगता है कि भाई अगर कोई एक राउंड में काउंसलिंग करा के अगर टप्पा दे के पार हो गया है तो अगला गेट पर उसको धर लिया जाए, और अगला गेट पर नहीं धरा है तो उसके बाद दोबारा कभी फिर से एक बार वेरिफिकेशन करा के धर लिया जाए। और निश्चित रहिए, मुझे पता है ये सरकारी तंत्र बिहार का मजबूत है और मुझे पता है कि ये होगा,
इसलिए अगर कोई लोग गलती से जा रहा है तो उन छात्रों को भी अवेयर कर दीजिए ना कि भाई एक नोटिस जारी हो जाए कि अगर जो छात्र जारी गलती करके जा रहे हैं, जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होगा अगर वो पकड़ लिए जाएंगे, और डेफिनेट है कि पकड़ा जाएंगे। सर डॉक्यूमेंटेशन का ये मतलब नहीं है कि वाटरमार्क है तो आप सही है। बिल्कुल बिल्कुल आप भी मानते हैं। देखिए वाटरमार्क की प्रक्रिया की थी, आयोग ने कहा कि हमें डॉक्यूमेंट, पहले होता था डॉक्यूमेंट गुम हो जाता था, अब डिजिटल जमाना है तो वाटरमार्क कहने का मतलब क्या है? वाटरमार्क कहने का मतलब यह है कि आपका ये डॉक्यूमेंट हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, आज से 20 साल बाद भी खोजेंगे तो वो रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था, आपने अपलोड किया, उसके बाद उसको डाउनलोड जैसे ही करते हैं तो वाटरमार्क लग जाता है। अब बहुत सारे बच्चे जो परेशान थे कि मेरा डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया, ये हो गया, फिर आयोग ने उनकी सुनी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप लोगों ने मुद्दा उठाया, आयोग ने सुना, और देखिए आयोग हर बार सुन रहा है, आयोग ने फिर सुना और फिर उनको कहा कि ठीक है आप फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, लेकिन सादा डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, वाटरमार्क लगा डाउनलोड कीजिए और उसको ले जाइए ताकि हमारे पास रिकॉर्ड में रहे, आप कोई उल्टा पलटी नहीं कर सके। सर तमाम जिस तरह से देखा जा रहा है सर 12% छात्र अदर बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है, जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है 999 रुपए में। दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट के हैं सर तो लगभग अच्छी खासी 14,000 के आसपास बाहर के लोग सेलेक्ट हुए हैं, 28,000 के आसपास नियोजित शिक्षक सेलेक्ट हो गए हैं सर, और ऐसा बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि 1,20,000 के पास आसपास रिजल्ट हुआ है, और उसमें भी एक सीट पर एक ही छात्र का दो दो जगह रिजल्ट हुआ है सर, दो दो सीट पर दो दो जगह रिजल्ट हुआ है। तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि लगभग 40% सीटें इन यही लोग खा चुके हैं सब, तो फ्रेश छात्रों की सिलेक्शन कम की गई है? देखिए एक चीज समझिए कि जब विज्ञापन निकला था तो विज्ञान आयोग अगर मामला कहीं जाता है तो इस बात को देखना होगा, हम बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें यह देखना होगा क्या एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट में था इनको मौका, इन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन अगर नियोजित शिक्षक आगे चल के सरकार की ऐसी मंशा है कि उन नियोजित शिक्षकों को ऐसे ही राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे तो वैसी परिस्थिति में मेरा ये निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि फिर इनमें फ्रेश बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, तमाम छात्र हो गए, छात्र नेता हो गए, तमाम लोग इस मूड में हैं कि हम लोग अगर बीपीएससी जल्दी से कोई एक्शन नहीं लेता है, उनका कहना है कि काउंसलिंग रोकिए, रिवाइज रिजल्ट दीजिए, और नहीं लेता है तो हम आंदोलन करने के मूड में आएंगे। आंदोलन पर शशि शरण सर क्या बोल रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आंदोलन करना आपका संवैधानिक हक है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर छात्र आंदोलन की सोच रहे हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि पहले इसको देखिए कि बिना इसके काम हो जाए, निवेदन कर ले, रिक्वेस्ट कर ले, प्रेयर पिटीशन और पॉलिसी की अपना ले, लेकिन उसके बाद अगर हो तो देश के अंदर में हर व्यक्ति आंदोलन कर सकता है, उस आंदोलन का धरना जगह निर्धारित होता है, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन होना चाहिए, साथ ही साथ अहिंसात्मक होना चाहिए, ऐसा कुछ ना हो कि आपको आगे चल के समस्या हो जाए। बिल्कुल, इसलिए आप अपने छात्रों बिल्कुल, और समझिए ना, बातचीत से हर चीज का रास्ता सुलझाया जा सकता है यार। देश आजाद हुआ, देश की आजादी की लड़ाइयां भी लड़ी गई तो लास्ट में बातचीत का भी रास्ता अपनाया गया, तो मेरा यह कहना है कि आप बातचीत का भी रास्ता रखें और अपनी बातों को रखें। और एक चीज आपने भी, आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिएगा रवि रंजन जी, कि आप मुझे बताइए कि जब जब बीपीएससी चेयरमैन सर के मामले पास उनके पास पहुंचे तो क्या उसका निराकरण हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। तो बस बात आप अच्छे से पहुंचाइए, निराकरण होगा। वो कैटेगरी का रिजल्ट नहीं आया है, उनका भी कट ऑफ जारी हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है उनको बताइए। लेकिन हाँ, आप ईमेल जारी कर रही है आयोग, 2,00,000 ईमेल हो जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में कोई कैसे पढ़ पाएगा? तो एक पोर्टल जारी हो जाए। तमाम छात्रों का कहना है सर कि इस पूरे रिजल्ट को अभी के लिए कैंसिल किया जाए और काउंसलिंग को अभी कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। समय अगर हो आयोग के पास तो हम लोगों का रिजल्ट 1 महीना बाद ही जारी करे, 2 महीना बाद ही जारी करे, लेकिन अच्छे से पूरा सटीक रिजल्ट होना चाहिए, सटीक एनालिसिस होना चाहिए, सटीक कट ऑफ होना चाहिए, समय ले ले, लेकिन रिजल्ट की सारी गड़बड़ियों को सुधार कर रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। आप क्या सोच रहे हैं? त्रुटि, जितनी भी त्रुटियां हैं उनको अविलंब दूर कर दिया जाए। त्रुटि हर आदमी से हो सकता है, आपसे हमसे किसी से भी हो सकता है, त्रुटि जितनी भी है त्रुटि रिजल्ट जो है दूर कर दी जाए, और जितनी सीटें बच जाती हैं उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो कहा गया है कि जो 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं, 1 लोग सेलेक्ट हुए हैं, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए। सर जिस तरह से अतुल प्रसाद सर जब से बीपीएससी में आए हैं तब से देखा जा रहा है कि छात्रों के हर मुद्दा को, छोटी से छोटी मुद्दा को ट्वीट के माध्यम से या ऑफिशियल नोटिस जारी करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। आपको भरोसा है कि बीपीएससी का जो शिक्षक वाली मुद्दा है अतुल सर अच्छे से हैंडल कर पाएंगे? बिल्कुल डेफिनेटली, मतलब काफी बेहतरीन है, और आप देख लीजिए कि बीपीएससी में कितना परिवर्तन हुआ है। पहले ओएमआर अपलोड नहीं होता था, अब ओएमआर अपलोड हो जाता है, तो सेल बना के दिखाया जाता है लोगों को, बुला बुला के देखिए कि एग्जाम कैसे हो रहा है, कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम हो रहा है, सब कुछ में कहीं चू से चांद से परीक्षा में पारदर्शिता आ गया, उस तरह से रिजल्ट में आ जाएगा। बिल्कुल एकदम त्रुटि रहित हो जाएगा, मुझे भरोसा है इस बात का, और हम सबको आशान्वित रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, शशि शरण सर का साफ कहना है
कि सर कुछ समय ले लिया जाए, लेकिन जो भी त्रुटि है रिजल्ट में उसको अविलंब दूर कर दिया जाए। और छात्रों को जो भी परेशानियां हैं, लगभग 1 लाख से अधिक लोग कह रहे हैं कि ईमेल जा चुका है, आयोग के जो ईमेल आईडी है उस पर 1 लाख से अधिक लोग कंप्लेन कर चुके हैं। तो अगर कुछ खामियां हैं, तभी लोग कर रहे हैं, तो जो भी खामियां हैं उनको दूर किया जाए। और छात्र इतने परेशान हैं कि उनको अभी कुछ सूझ नहीं रहा है। आंदोलन को लेकर भी सर कह रहे हैं कि आपका अधिकार है, लेकिन अहिंसात्मक होना चाहिए। हालांकि सर कह रहे हैं कि अभी कुछ वेट कर लेना चाहिए, जिस तरह से अतुल सर हर छोटी बात को आपसे साझा करते हैं, 1-2 दिनों का वेट कर लेना चाहिए, क्या कुछ निकल कर आता है बीपीएससी की तरफ से। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।